हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया हैं एंड स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जो कि बेस्ड होने वाली है ऑन कैरेगॉन डिफेंस। इसमें हम देखने वाले हैं कुछ ट्रैप्स के बारे में जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। एंड अगर आपको ये ट्रैप्स पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं विद टुडेज गेम। e4 c6 d4 d5, दिस इज अ कैरागॉन डिफेंस। एंड यहाँ पे Nc3, पॉन टेक्स e4, नाइट टेक्स ऑन e4, बिशप टू f5, नाइट g3, बिशप g6, एंड अब यहाँ पे खेला है h4। एंड नेक्स्ट मूव h5 आने वाली, जिसमें बिशप ट्रैप हो जाएगा। सो h6, नाइट f3, नाइट d7, बिशप टू c4, e6। अब यहाँ पे आया क्वीन e2, एंड यहाँ पे ब्लैक ने खेला बिशप टू d6। वाइट ने यहाँ पे सिंपली कैसल किया एंड अब ब्लैक ने खेला नाइट f6। सो इस पोजीशन में वाइट ने खेला मूव नाइट e5, जिसके पीछे थ्रेट ये है कि अब नाइट से इस बिशप को कैप्चर करके जब ये पॉन कैप्चर करेगा तो हम क्वीन से एक पॉन विन कर लेंगे। बट यहाँ पे ब्लैक ने गलती कर दी, ब्लैक ने खेल दिया बिशप h7, तो अब आ गया नाइट टेक्स ऑन f7। सो ये एक लूप होल है इन द कैरेगॉन डिफेंस, जिसका आप एडवांटेज उठा सकते हो। एंड यहाँ पे ब्लैक ने खेला किंग टेक्स f7, तो आया क्वीन टेक्स e6 चेक। अब आप किंग को यहाँ f8 पे नहीं रख सकते बिकॉज ऑफ मेट। तो आफ्टर दिस चेक किंग आया यहाँ, एंड अब आता है h5 चेकमेट। ड्यू टू दिस नाइट यहाँ पे पिंड है, सो ये मूव नहीं हो सकता। एंड तो ये था एक वेरी बेसिक ट्रैप इन द कैरेगॉन डिफेंस, जिसमें आपने देखा कि हम ऐसे सेक्रीफाइसेस देके गेम को इजीली रिजल्ट ला सकते हैं। ऐसे ही मैं आपको एक और ट्रैप दिखाने वाला हूँ जो काफ़ी शॉर्ट होगा बट काफ़ी इंस्ट्रक्टिव होगा। e4 c6 d4 d5, एंड अब यहाँ पर खेला गया बिशप d3। तो अगर ब्लैक इस पॉन को कैप्चर नहीं करता है, यहाँ पे नाइट f6 जैसी मूव खेलता है, तो स्ट्रेट अवे हम यहाँ पे e5 खेल सकते हैं, जिस कंडीशन में अगर वो नाइट टू d7 पे जाता है तो हमारे पास एक काफ़ी अच्छा मूव है यहाँ पे e6, जिस केस में ये नाइट के मूव होते ही हम f7 पे पॉन को कैप्चर कर लेंगे। सो अगर ब्लैक ने ये पॉन कैप्चर किया तो हम खेलेंगे क्वीन h5 चेक, जिसमें किंग के पास जाने के लिए कोई भी स्क्वायर अवेलेबल नहीं है। सो यहाँ पे ब्लैक काइंड ऑफ फोर्स है टू प्ले द मूव g6, जिस पे हम क्वीन टेक्स ऑन g6, पॉन टेक्स ऑन g6 एंड बिशप टेक्स ऑन g6 चेकमेट। सो हम देख सकते हैं कि ओपनिंग में ही एक सिंगल बिशप भी चेकमेट कर सकता है। सो ये था आज के कुछ बेसिक और इंस्ट्रक्टिव ट्रैप्स जो कि आज ये वीडियो में हमने देखे हैं। एंड अगर आपको ये पसंद आए हों तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही ट्रैप्स को लेके। तब तक के लिए गुड बाय।